सो सुबह के बजे है 5:30 और ऑल द प्रिपरेशन जो है वो सब हो गई है और बैग और वो सब कुछ भी लग गया है. सो नाउ वी विल गो एंड विल स्टार्ट द जर्नी और आपको मस्त वाली एक जगह पे लेकर जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा आपको चीज़ें देखने मिलेगी और बहुत 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 सारा एक्सप्लोर देखने मिलेगा. सो स्टे ट्यून. अभी बहुत बड़ा कांड हुआ और कांड में ऐसा हुआ कि अपने जो मर्सिडीज़ का जो पावर स्टेयरिंग है उसका कुछ माल फंक्शनिंग दिखा रहा था, मतलब कि उसका कुछ लोचा दिखा रहा था कि भाई उसमें शायद ऑयल था या नहीं था, पता नहीं क्या. तो लाइक एकदम से लाइक मेरा तो पूरा मूड वो बैठ गया था. लेकिन जेकब को मैंने फ़ोन किया तो वो बेचारा बंदा वो अभी आ गया और आके उसने मेरे को उसकी गाड़ी दे दी. अभी तो अभी अपने पास वॉक्सवैगन है और हमारा जो प्लान है वो अभी फिर से शुरू हो गया है. सो इट्स 7:47, मतलब 2 घंटे का एक्चुअली में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन सो फार सो गुड. अभी क्या है कि जर्नी शुरू कर दी है एंड वी आर ऑन द वे ऑफ दानोरी. ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे मैं मतलब रहता था. सो बस बस यही चीज़ है अभी तो. लेट्स गो ऑन द वे एंड फाइंड सम काइंड ऑफ न्यू एडवेंचर्स. अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ट्री पे और लेट्स जस्ट सी कि वहाँ पे क्या है कि बर्गर अवेलेबल है कि नहीं है. यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हवा बह रही है और आई थिंक आप पूरा व्यू देख सकते हो. सो मैकडी वाला प्लान तो फेल हो चुका है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि 9:30 बजे डिलीवरी देंगे और यहाँ पे अभी 8:50 अराउंड हुआ है. सो इतना ज़्यादा टाइम तक तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है. हमारा टोटल 3 आवर्स का जर्नी है. सो लाइक लेट्स जस्ट कंप्लीट लाइक व्हाट वी कैन एंड यहाँ पे आगे भी एक फूड कोर्ट है तो वहाँ पे देखेंगे अगर कुछ मिल जाता है तो दैट वुड बी अ बिग हेल्प. बाकी हम जहाँ पे जो फार्म हाउस पे जाने वाले वहाँ पे तो हमने बोल ही दिया है खाने का, तो वहाँ पे तो कोई वरी नहीं है. सो लेट जस्ट गो एंड लाइक सी व्हाट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अभी अगर आप देखो पूरा फॉग 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 हो गया है और यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी इतना दिखाई नहीं दे रहा है. सिर्फ अभी ये 100 मीटर जितना दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. तो ज़बरदस्त वाला है ये लोनावाला. हम पहुँच गए अभी और ये लोनावाला के अंदर का जो वेदर है वो अभी बहुत ही ज़बरदस्त होके रखा है. आप पूरा देखो ये कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा है यार.
पे पहुंच गए हैं और बहुत ही मस्त वाली नींद आ रही है। सो अभी थोड़ा आराम करते हैं एंड आपको पूरा हाउस दिखाएंगे शाम को। गुड नाइट। सो फाइनली हम ये जो जगह पर आए हैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये जो है वो भीमा शंकर के लाइक अबाउट बहुत ही करीब है। कर्जट से अराउंड अराउंड देखने जाए तो 20-25 किलोमीटर दूर है। और ये जो मतलब गांव है वो उसका नाम है सेवली, ऐसा करके नाम है। और ये जो अगर आप रास्ता का देखोगे तो ये मतलब देखने जाए तो अलीबाग के साइड थोड़ा आ जाता है। और ये पूरा माउंटेन की मतलब लाइकली अबाउट अराउंड अराउंड 2000 एल्टीट्यूड के ऊपर हम अभी है। और जो बारिश और जो मतलब ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है लाइक इट रिफ्रेशेस योर माइंड। तो ये अगर देखोगे तो हमने ऊपर से वीडियो लिया है, पूरा यहाँ पे बारिश हो गई है, ज़बरदस्त वाली बारिश है। सो अभी इवनिंग के है 4 बजे और हमने अभी क्या कि राइड शुरू करने का वो डिसाइड कर दिया। अभी बारिश तो है है। और अराउंड 6 बजे होंगे और हम आ गए हैं यहाँ पे सायवाड़ी जो गांव है उसका ऊपर का जो टेबल टॉप है वो यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। उस साइड जो पूरा माउंटेन्स और सिटी है, कर्जत सिटी है, उसका पूरा वो देख सकते हैं। और ये पूरा टेबल टॉप है, आजू बाजू पूरे बड़े बड़े माउंटेन्स है। बादल तो इतने ज़बरदस्त तरीके से वो जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे मतलब आपको टाइम लैप्स तो देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पूरा ये पूरा जो चीज़ है वो ट्रैकिंग करने का ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ ही साथ में जो ये आप देखोगे ये पूरा टेंट है जो जिसके अंदर हम रह सकते हैं और क्या कि अपना पूरा वन नाइट यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर एन काइंड ऑफ यू नो एडवेंचर। सो अगर आपको आना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप आ सकते हो यहाँ पे, बुक कर सकते हो और ज़बरदस्त मज़ा आपको मिल जाएगा। सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो वो पूरा का पूरा कर्जत का एरिया है। नीरल जो छोटा सा है वो सिटी वो है और पूरा आप माउंट
माउंटेन्स दूर दूर तक देख सकते हो। और ये अपना टेंट, और ये इस साइड जो है वो अपना माथेरान जो है वो आता है। तो और ये पूरा व्यू देखो, और ये हमारी कार नमो, और जो व्यू है मैं छाते में से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बारिश की वजह से। I'm, yeah,